हेलो दोस्तों, ईसीपी लाइव में आपका स्वागत है। मैं क्लास 7 का एक्सरसाइज 11A बता रहा हूँ दोस्तों। इसमें फर्स्ट एपिट्यूड मैं बता चुका हूँ 1, 2, 3, क्योंकि टोटल सोल्व करे हैं तो काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए हम टोटल क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। अभी सेकेंड एपिसोड है, अभी आप ये देख लीजिए, अगर समझ में आएगा तो फर्स्ट एपिसोड में जाके देख सकते हैं, और नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, मत देखिएगा जाके, है ना। क्योंकि समझ में आना चाहिए, जो आपको समझा पा रहा है उन्हीं का वीडियो देखिए और उन्हीं से पढ़िए, है ना। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं 4 नंबर से। पहला दिया है सुधीर बाउट एंड अलमीरा फोर। दोस्तों इसका जो फॉर्मूला है ना वो पार्ट 1 में ही बताएं, यहाँ फिर फॉर्मूला बताएंगे, फिर सब कुछ बेसिक बताएंगे तो फिर टाइम लगेगा, इसलिए अभी हम जो पार्ट 1 में बताए हैं उस तरह से उधर नहीं जा रहे हैं। सुधीर बाउट एंड अलमीरा फोर 13,600 एंड स्पेंड 400 ऑन अ ट्रांसपोर्ट चार्ज। यहाँ देखिए 13,600 में खरीदे हैं, ट्रांसपोर्ट चार्ज 400 रुपया लगा है। तो दोस्तों एक्चुअल में जो ट्रांसपोर्ट चार्ज है ना वो इसमें जोड़ते हैं, तो हम लोग लिखते चलते हैं, हम शॉर्ट शॉर्ट में लिखेंगे, क्योंकि सीपी का मतलब बताए थे कॉस्ट प्राइज। कितना कॉस्ट प्राइज है? 13,600 रुपया। उसके बाद ये है एडिशनल यानी ट्रांसपोर्ट चार्ज, है ना, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लिख देते हैं, TRANS ट्रांस PORT ट्रांसपोर्ट CHARGE। ट्रांसपोर्ट चार्ज कितना है दोस्तों? 400। नीचे में लिखते हैं ACP, इसका मतलब हुआ है एक्चुअल कॉस्ट प्राइस। सी का मतलब सीपी में कब कॉस्ट प्राइस, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस जो होता है, कॉस्ट प्राइस में ट्रांसपोर्ट चार्ज ऐड कर देते हैं 600, 400, 1,000, तो हमको यहाँ 14,000 हो जाएगा। ये जोड़ने पे आता होगा 0+0=0, 0+0 4, 4+6=10, 0+1=3, 1, 4, है ना, ये तो आता होगा आपको। तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस हमको हो गया 14,000। अब यहाँ बोलते हैं ही सोल्ड SP सेलिंग प्राइस कितना में बेचा? 16,800। ऐसे सोचिए, देखिए अभी जो हमको सीपी है ना, ये सोचेंगे 14,000 में कोई सामान खरीदे हैं, 16,800 में बेचे हैं, इसका मतलब आपको ये तो कोई अंधा आदमी होगा ना वो भी बोलेगा इसमें तो फायदा हो रहा। तो प्रॉफिट इक्वल टू फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट ये बड़ा है ये छोटा है, तो यहाँ से ऑटोमेटिक फॉर्मूला हो गया CP - SP, है ना, मतलब 6,800 - 14,000, तो हमको 6,800 में घटाएंगे तो 2,800 ये निकल जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो। लेकिन हमको निकालना क्या है? फाइंड द गेन परसेंट, है ना, तो गेन परसेंट या प्रॉफिट परसेंट सेम है, एक ही चीज़ है। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट बाय CP × 100। यहाँ जहाँ समझ लीजिए, अगर लॉस बोलता तो वो भी यहाँ लॉस बाय CP × 100, नीचे में CP फिक्स है, देना ही देना है, तो 2,800 ये तो प्रॉफिट हो रहा है। सीपी मतलब ये वाला सीपी मत भरिएगा, क्योंकि 400 रुपया जो ट्रांसपोर्ट चार्ज है ना, तो सब एडिशनल सीपी ये वाला भरना है, है ना, टोटल जो खर्चा किए हैं दिक्कत। और हमको क्योंकि परसेंटेज लाना है तो इनटू परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, परसेंटेज लाना 100 से मल्टीप्लाई, परसेंटेज हटाना 100 से डिवाइड, है ना। तो 10 इससे कट गया, 100 और कट गया, 10 और कट गया, यहाँ से 14 × 2 = 28, 2 से कट गया, और 2 × 10 है तो 2×10=20%। समझ में आया? यहाँ देख लीजिए थोड़ा लंबा चला है, लेकिन पूरा प्रोसेस अच्छा से बताए हैं, है ना, समझ में आना चाहिए। अगला चलते हैं दोस्तों, अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हुआ होगा तो आप एक दो ठो और बनाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। नंबर 5 बता रहे हैं रवि परचेज एंड ऑल हाउस फॉर कितना है? 7,65,000 एंड स्पेंड 1,50,000 ऑन एंड रिपेयर। मतलब कोई पुराना हाउस खरीदे, उसमें 1,15,000 और खर्चा किए हैं। यहाँ भी वही चीज़ है, ये सीपी है, ये एडिशनल चार्ज है। देन ही सोल्ड उसको 5% गेन में विद हाउ मच ही गेट। तो चलिए सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस हम लगातार बोल रहे हैं, इसका फुल फॉर्म नहीं लिख रहे हैं, टाइम में बर्बाद है ना, वो खाली मेन समझाने का टारगेट रख रहे हैं, एक बार लिख ही देता हूँ उन्हें, तो लिख देंगे अभी। सीपी मतलब क्या होता है, SP मतलब क्या होता है, MP मतलब क्या होता है। तो CP हो गया 7,65,000। यहाँ बोला स्पेंट यानी रिपेयर चार्ज, है ना, यहाँ लाइन खींच देते हैं क्योंकि ये उधर वाला क्वेश्चन का है, तो REPAIRS रिपेयर CHARGE रिपेयर चार्ज जो है 1,50,000
15,000 दोस्तों ए सी पी एडिशनल कोस्ट प्राइज, इसमें ऐड करेंगे तो पहले 000 तो बैठ ही जाएगा, 000 में 000 5+5 10 का 0 कैरी 1 5 6 1 7 1 8 और यहाँ 318 मतलब 880,000 हो गया एक्चुअल कोस्ट प्राइज। अब यहाँ समझते हैं, देन उन्होंने बेच दिया गेन परसेंट, गेन या प्रॉफिट एक ही चीज़ है, गेन परसेंट बोल रहा है 5% गेन हो रहा है तो कितना में बेचा है, हाउ मच ही गेट, कितना पाया। तो एस पी इक्वल टू, अगर दोस्तों यहाँ के बाद डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, कोई बच्चा कहेगा क्या सर हम जो इतना का 5% निकाल लेंगे और जो हमारा आंसर आएगा ना इसमें 5% जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, और सही बोला उन्होंने, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हमको लंबा नहीं बनाना है, हमको एक्यूरेट लाना है। तो यहाँ देखिए हमको 8,80,000 है ना, 5% गेन, हम उस दिन भी बताए थे 5% गेन मतलब 100+5, अगर 5% लॉस तो 100-5, 100+5 क्या हो जाएगा 100, 105%, यही निकालना है हमको। तो 8,80,000 इंटू 105% हटाएंगे तो डिवाइड में होगा 100, 10,20 यहाँ से कट जाएगा, हमको 105 से 88 को मल्टीप्लाई करेंगे और 00 है यहाँ बैठा देना है, तो 105 × 88 8 × 5 = 40 8 × 1 = 8 यहाँ क्योंकि 0 था 8 × 5 = 40 उसके बाद 8 × 1 = 8 यहाँ बचेगा 0, 8, 8 × 4 = 12 + 2 = 1, 8 × 9 तो हमको हो गया 0,429,924,000 ये हमारा रुपी आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं, ये मल्टीप्लाई किए हैं, बहुत सारा को मल्टीप्लाई भी समझ में नहीं आता है, यहाँ देख लीजिए 8 × 5 = 40 का 0 carry 4 8 0 0 तो 4 बैठ गया, वही चीज़ किए हैं। तो समझ में आया गया, हम देखिए दो ही क्वेश्चन में हमको सिलेबस 7 मिनट खत्म हो चुका, क्योंकि इसमें दोस्तों समझाना है और काफ़ी ज़्यादा पॉइंट है इसलिए असल लेट हो रहा है ना। चलते हैं 6 नंबर बता रहे हैं, अभी ध्यान से देखिएगा नहीं तो फिर भाग जाएगा आपका दिमाग से। वेंडोर है, वेंडोर बाय अ लेमन 25 रुपी पर डजन एंड सोल देम एट ए रेट ऑफ 5 रुपी 5 × 4 = 12 रुपी एंड फाइन गेन और लॉस परसेंट। लफड़ा इसमें है दोस्तों, इस क्वेश्चन में लफड़ा है कि यहाँ 12 ठो का दाम है 25 रुपया और 5 ठो का दाम है 12 रुपया। इस क्वेश्चन को बनाएंगे वो जो चाहे रुपया समान कर ले या क्वांटिटी समान कर ले तभी बना पाएंगे ना, तो ये क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। हाँ ये ऐसे भी बनेगा, एक लेमन का दाम निकाल लेंगे, एक लेमन का दाम निकाल लेंगे, लेकिन वो हार्ड चलेगा, आप जानते हैं हम इजी में बनाएंगे। तो चलते हैं, यहाँ दिया है कितना कोस्ट ऑफ कितना लेमन, यहाँ बोला है अब लेमन 25 पर डजन कोस्ट ऑफ 12 लेमन LEMON 12 लेमन का दाम कितना है 25 रुपया, समझिएगा ध्यान से, यह सीपी है और यह बेचे हैं कितना, सेल किए हैं यानी सेलिंग प्राइस ऑफ कितना 5 को बेचे हैं लेमन LEMON, समझिएगा ध्यान से नहीं तो भाग जाएगा फिर, कितना रुपया में बेचे हैं 12 रुपया में, देखिए 12 को खरीदे हैं, 12 ठो खरीद के 25 रुपया में, 5 को बेचे हैं 12 रुपया में, इसमें पता नहीं चलेगा कि घाटा हुआ या प्रॉफिट हुआ। किसी तरह से हम पैसा को समान करते हैं या क्वांटिटी को समान करते हैं, हम क्वांटिटी को ही समान करते हैं, तो यहाँ हमने 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ भी हमको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अब सोचे 12 कहाँ मिला, ये वाला 12 यहाँ के, ये वाला 5 यहाँ के, तो यहाँ भी 12 से मल्टीप्लाई करने, तो 12×5 = 60, 12×5 = 60 दोनों तरफ 60 60 हो जाएगा, इसका मतलब 25×5 = 125, 125 टका में खरीदे हैं, 12×12 = 144, 144 टका में बेचे हैं, पता चल रहा है कि दोस्तों प्रॉफिट हो रहा है इसमें, है ना। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है वो लिख लेते हैं, प्रॉफिट जो होगा हम लोग जानते हैं SP - CP 144 में 125 सब्ट्रैक्ट करना है, 14 में 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 9, 3 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 119 रुपया प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन हमको निकालना क्या फाइन गेन परसेंट या लॉस परसेंट, पहला तो लॉस हो नहीं रहा गेन हो रहा, ये तो छट गया, ऐसे गेन परसेंट हम लोग निकालना है, तो हम बताए थे गेन बाय CP इंटू 100, गेन कितना हो रहा 19 रुपया, CP है कितना, यही ना CP है 125 रुपया और इंटू 100, 25 चौका 100, 25 5 125,
दोस्तों 5 से तो कटेगा नहीं, 19 19 के 19 19 18 19 17 19 76 70 76 बट्टा 5, 5 से डिवाइड करेंगे 15 5 75 15.2, या ऐसा भी कर सकते हैं इसको 2 से मल्टीप्लाई, उसे भी 14 12 14 15 है ना, 15% 15.2%। समझ में आया कि नहीं, बहुत ईजी। अच्छा ये बुक वाला इसमें हिंट बनाया क्योंकि वो सुपर हार्ड क्वेश्चन माना जाता है, तो ये ऐसा कुछ बनाया है। हाँ ये 60 लेमन इन्होंने भी बनाया ऐसा, इसको और भी तरह से बन सकता था, एक लेमन का निकाल दे तो भी बनेगा, कोई फायदा नहीं है, सबसे ईजी है ये, ऐसा ही समझिएगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नंबर 6 के बाद 7 चलते हैं। द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन इज इक्वल टू द कोर्स प्राइस ऑफ 15 पेन, फाइंड द गेन परसेंट ऑफ लॉस। ये तो उसे आसान है, लेकिन जिसको कॉन्सेप्ट पता होगा वही सॉल्व कर पाएंगे। चलते हैं इधर से, एक तो बना देता हूँ नंबर 7। 7 नंबर में है, यहाँ क्या बोला है समझिएगा ध्यान से, सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन मतलब एस पी ऑफ 12 इज इक्वल टू सी पी ऑफ कितना 15 पेन। तो हम इधर ला देते हैं एस पी, और ये बटम है इधर आएगा तो सी पी हो जाएगा, और ऊपर में 15 है, ये डिवाइड में जाएगा तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। नहीं समझा, 12 फाइंड हिज गेन परसेंट और लॉस, कितना नंबर बनाया था 7 फाइंड हिज गेन। अच्छा ये कट भी जाएगा, कटा भी सकते हैं नहीं भी कटा सकते, आपका मन कटाना है तो। इसका मतलब सी पी नीचे वाला सी पी हो गया 12 हो गया, और एस पी बराबर क्या हो गया 15, है ना, नीचे वाला ऊपर वाला ऊपर वाला। तो दोस्तों 12 रुपये में खरीदे हैं और 15 रुपये में बेचे हैं, इसका मतलब इसमें भी गेन हो रहा है। गेन इक्वल टू हम लोग जानते हैं एस पी माइनस सी पी, यानी 15 - 12 बराबर 3 रुपया हो गया। हमको गेन परसेंट चाहिए तो गेन बाय सी पी इंटू 100। गेन कितना हो रहा है दोस्तों 3 रुपया, सी पी कितना है यहाँ भी निकाले थे सी पी 12 रुपया और इंटू 100, तो 3 से कट जाएगा चौका 12, 4 से कटेगा 25 बार में, तो 25% दोस्तों प्रॉफिट हो रहा। समझ में आया। नेक्स्ट चलते हैं, बहुत ही आसान ही था, हाँ लेकिन जिसको ये सब कॉन्सेप्ट पता होगा उसी के लिए आसान है, बाकी के लिए तो बहुत हार्ड है। 8 नंबर बना रहे हैं अब, है ना, तो 8 नंबर में चलते हैं, क्योंकि आर एस अरवाल का एक क्वालिटी है कि एक तरह का सवाल ना 2-3 ठो देता है, है ना, इससे बच्चा सबका माइंड में बैठ जाता। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 12 स्पून्स इज इक्वल टू द कोस्ट प्राइस ऑफ 15 स्पून, फाइंड लॉस गेन। दोस्तों ये तो आपसे बन जाएगा, लेकिन फिर भी मैं बना देता हूँ, कोई बच्चा से नहीं बनेगा तो फिर वो सोचेगा कि काश बना देते उस दिन सर। तो देखिए एस पी ऑफ 12 स्पून एकदम सेम इक्वल टू सी पी ऑफ कितना बोल रहा है 15 स्पून, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं, एक ही चीज़ है। एस पी बाय सी पी इज इक्वल टू 15 उधर है और बाय 40, है ना, ये देखिए उधर 15 का 15 ये डिवाइड में जाएगा, ये तो पहले से जानते हैं। इसका मतलब सी पी इज इक्वल टू हमको हो गया 16 रुपी और एस पी इज इक्वल टू हो गया 15 रुपी। इसका मतलब 16 रुपया में खरीद के 15 रुपया में बेच रहे हैं, इसका मतलब दोस्तों घाटा हो रहा है। अगर मान लेते हैं 16 रुपया में केजी कुछ खरीद के लाए और 15 में बेच के आए हैं, तो समझ लीजिए आपका वाइफ ने जूता चप्पल लेके खड़ा रहेगा बेचने के लिए, आप खुशी से होंगे आएंगे, वो तो गम में ला देंगे आपको तुरंत, क्योंकि इसमें घाटा हो रहा है तो लॉस हो रहा है इसमें, है ना। तो लॉस बराबर हो जाएगा एस पी, लॉस बराबर सी पी माइनस एस पी, या फॉर्मूला से पता चल रहा है ये बड़ा है ये छोटा, तो ये माइनस ये होगा, है ना, बहुत आसान। हम बताए थे शुरू में भी कि अब फॉर्मूला नहीं भी रटेंगे तो आपको धीरे धीरे दिमाग में बैठ जाएगा। तो एक रुपया का लॉस हो रहा है, लॉस परसेंट हम बताए थे फॉर्मूला सेम होता है लॉस बाय सी पी इंटू 100, तो लॉस कितना हो रहा है एक रुपया, सी पी 16 है इंटू 100%, 4 × 16 = 25, तो हमको ये पूर्णांक में तो ही रहेगा लगता है, 6 से कट जाएगा 6 × 24 1/4%, कैसे किए 6 × 24 1/25 हो रहा है ना, 25/4 है, नीचे में 4 था। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, ये समझ में आ गया हो, एक स्क्रीन पर बहुत सारा बच्चा लेता है इसलिए थोड़ा सा रोक लेते हैं हम। नंबर 8 के बाद 9 में चलते हैं। अच्छा कितना सवाल है दोस्तों, 22 तो शायद सवाल है, तो एक दो एपिसोड और होगा क्योंकि टोटल सवाल सोल्व कर रहे हैं तो लंबा तो चलेगा ही। मनोज परचेज अ वीडियो फॉर 12,000 ही सोल्ड वीडियो, मनोज परचेज अ वीडियो फॉर 12,000 ही सोल्ड इट एट टू राहुल एट अ गेन ऑफ 10%। इफ राहुल सेल टू राकेश टू 5% लॉस, व्हाट दिस राकेश पे फॉर इट, मतलब राकेश कितना
पे किया। मनोज जो है ना परचेज किया है, यहाँ सीपी लेकिन ऑफ किसका, मनोज भाई साहब का है, तो ये मनोज साहब है, इनके लिए है 12,000 टका दाम, है ना। फिर मनोज ने गेन में बेचा है राहुल को, तो राहुल के लिए सीपी कितना हो जाएगा, गेन में बेचा है तो यहाँ हो जाएगा सीपी ऑफ, हमको निकालना है सीपी ऑफ, फिर राहुल क्या हो जाएगा आर ए एच यू एल, तो 12,000 का क्या में बेचा है, कितना नंबर चल रहा है यार, 12,000 का सी सोल्ड, 10% गेन, मतलब 10% अभी बताए थे, 10% गेन 100+10, 10% लोड 100-10, तो 100+10 करेंगे तो 110%, परसेंट हटाएंगे तो डिवाइड में होगा 100, 00 से यहाँ एक जीरो काट लेते हैं, यहाँ 12 × 11 तो 12 × 120 और 12 × 132 और यहाँ 1, 2 जीरो है, तो इसका मतलब अब 13,200 हो गया राहुल का सीपी। लेकिन यहाँ बोला राहुल सेल राकेश को लॉस 5%, व्हाट इज द राकेश पे, तो सीपी ऑफ राकेश अब आ जाते हैं आर ए के ई एस एच, तो राकेश जो है ना यहाँ देख लो, राकेश उसको कितना किया 5% लॉस में पे किया है, हम बताए अभी कि 5% लोड 100-5 95%, हटाएंगे डिवाइड में होगा 100, 00 से 00 कट जाएगा, लेकिन 4095 को 132 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ कर देता हूँ साइड में, वैसे आप साइड में भी कर सकते हो, 5 × 10 का 0 हम गया 1, 5 × 15 16 का 14 गया 1, 5 × 5 = 6, 9 × 18 का 8 हम गया 1, 9 × 3 = 27, 28 को 9 × 18 = 28 का 8 हम गया 2, 9 × 9 = 11, तो हमको हो गया 0, 8 × 6 = 14 का 4 हम गया 1, 8 × 6 = 14 = 15 हम गया 1, 1 × 2 = 1, तो हमको दोस्तों निकल गया 12,540, है ना, ये रुपया निकला 12,540, समझ में आया होगा, बहुत ईजी लग रहा होगा आपको। अच्छा ये हम रफ किए हैं, आप भी कर सकते हैं, साइड में करके रख लीजिएगा ताकि आप जब भी रिविजन कीजिएगा तो देखिएगा कि कैसे किए थे हम, यहाँ कैसे आया। नंबर 10 बता रहे हैं, नंबर 10 है ऑन अ सेलिंग अ सोफा 21,600 एट डीलर गेन 8% फॉर हाउ मच ही परचेज इट, दोस्तों 10, 11, 12 और 13 एक ही तरह का सवाल है, नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे, ताकि एक तरह का सवाल होगा तो वहाँ बताने में ठीक रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।